पब्लिक सर्विस मैसेज फ्रॉम अलाउद्दीन एकेडमी गर्ल्स हाई स्कूल कीप डिस्टेंस कीप क्लीन कीप काम स्टे होम स्टे सेफ माय नेम इज रमशा तारिक आई एम ए कंप्यूटर टीचर एंड दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो जो कि आपको प्रेजेंट की जा रही है अलाउद्दीन एकेडमी गर्ल्स हाई स्कूल की तरफ से 6th क्लास के कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए ये कंप्यूटर का सेकंड लेक्चर है जो कि आपकी बुक के यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर बेसिक्स से बनाया गया है इससे प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर भी जो है वो यहीं पर आपको मिल जाएगा जबकि इस लेक्चर में जो है वो हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ टॉपिक नंबर फाइव इनपुट डिवाइसेस और ये कुछ इनपुट डिवाइसेस आप यहाँ पर देख रहे हैं जो आपकी बुक में भी मौजूद होंगी हम इनको आज डिस्कस करेंगे सो लेट्स बिगिन विद टूडेज लेक्चर वॉट आर इनपुट डिवाइसेस सबसे पहले एक जर्नल एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं जब ह्यूमन बॉडी से कोई काम लेना होता है तो ह्यूमन ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस पहुंचाई जाती हैं वो इंस्ट्रक्शंस ह्यूमन बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं पहुंचाते हैं फॉर एग्जाम्पल ईयर्स इस्तेमाल हो सकते हैं आप अपने हाथों के जरिए वो इंस्ट्रक्शंस पहुंचा सकते हैं स्किन के थ्रू वो इंस्ट्रक्शंस एंटर की जा सकती हैं या टंग के थ्रू भी वो इंस्ट्रक्शंस जा सकती हैं ह्यूमन ब्रेन उन इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है उन पर प्रोसेसिंग होती है और फिर हमारी बॉडी से जो भी काम लेना होता है वो लिया जाता है सो so, कंप्यूटर भी इसी तरीके से काम करता है जब कंप्यूटर को डाटा दिया जाता है इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं तो वो कंप्यूटर के ब्रेन तक पहुँचाई जाती हैं और फिर उस प्रोसेसिंग के बाद कोई ना कोई आउटपुट जनरेट की जाती है सो so, कंप्यूटर के अंदर डेटा पहुंचाने का काम जो डिवाइसेस परफॉर्म करती हैं उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है इनपुट डिवाइसेस बेस करती हैं टाइप ऑफ इनपुट पर कि आपकी इनपुट किस टाइप की है अगर आपकी इनपुट जो है वो कोई टेक्सचुअल डाटा है फॉर एक्जाम्पल जैसे आपके घर का एड्रेस जो कि कॉम्बिनेशन हो सकता है लेटर्स का नंबर्स का सिंबल्स का या स्पेशल करेक्टर्स का अगर आपका जो डाटा है वो इस टाइप का है तो फिर इसके लिए आपको जो डिवाइस चाहिए है दैट इज़ कीबोर्ड अगर आपको आपकी इनपुट बेस करती है स्क्रीन पर पॉइंट करने के लिए तो फिर उस मामले में आपको जो भी डिवाइसेस रिक्वायर्ड हैं दैट इज़ माउस और अगर आपको गेम्स प्ले करनी है तो फिर आपको जॉयस्टिक चाहिए है। अगर आपकी इनपुट बेस करती है किसी भी इमेज पर या आपको ट्रांसफ़र करनी है फ़ोटोज़ कंप्यूटर के अंदर तो इस परपस के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं उन्हें स्कैनर या डिजिटल कैमरा कहा जाता है और अगर आपकी इनपुट बेस करती है आवाज़ पर जैसा कि अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो फिर इस मामले में आपको जो भी इनपुट डिवाइस चाहिए है वो माइक्रोफोन कहलाती है सो so, ये तमाम इनपुट डिवाइसेस थी इन तमाम का पर्पज़ जो है वो बेस करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है तो इन तमाम डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंटर किया जाता है हमने अभी इनपुट डिवाइसेस के टाइप्स के बारे में बात की सो हेयर दीज आर यू कैन सी देम कीबोर्ड माउस स्कैनर डिजिटल कैमरा एंड माइक्रोफोन सो लेट्स गेट स्टार्ट विद कीबोर्ड एक कीबोर्ड क्या होता है एक कीबोर्ड जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है एक कीबोर्ड के ऊपर बहुत से छोटे बटन्स होते हैं जिन्हें कीज़ कहा जाता है और इन कीज़ के पैटर्न को क्यूवर्टी पैटर्न कहा जाता है जिस लिहाज से ये लेड आउट होती हैं एक कीबोर्ड के ऊपर वो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि टॉप लेटर कीज़ जो आप देख रहे हैं इनकी अरेंजमेंट इन लेटर्स की मदद से जो है बनाई गई है इस वजह से इसे क्यूवर्टी पैटर्न कहा जाता है एक कीबोर्ड का फंक्शन क्या होता है एक कीबोर्ड जो है वो एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है कंप्यूटर के अंदर टेक्चुअल डाटा जैसे अभी हमने बात की एक घर का जो एड्रेस है वो टेक्सचुअल डाटा हो सकता है ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट कीबोर्ड जो कि यहाँ खत्म नहीं होता आगे चलते हैं एक कीबोर्ड जो है उसे मुख्तफ कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया जाता है एक कीबोर्ड के मुख्तलिफ़ सेक्शंस होते हैं फंक्शन कीज अल्फा नुमारिक कीज़ नुमैरिक की पैड नेविगेशन कीज़ एंड स्पेशल पर्पज़ कीज़ सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ंक्शन कीज़ की फंक्शन कीज़ जो होती हैं वो टॉप रो होती हैं किसी भी कीबोर्ड की जो कि F1 से लेकर F12 तक मौजूद होती हैं इन तमाम कीज़ का जो फंक्शन होता है वो बेस करता है उस सॉफ्टवेयर पर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और आप F1 की को प्रेस करते हैं तो फिर आपके सामने एक हेल्प मेन्यू स्क्रीन अपीयर हो जाती है अल्फा नुमारिक कीस कीज़ का पोर्शन आप देख सकते हैं ये यह यहाँ से स्टार्ट होकर जो है वो यहाँ पर बेस करता है इस पोर्शन में जो है हमारे पास नंबर कीज भी आ जाती हैं जिनके ऊपर कुछ सिंबल्स भी बने होते हैं जबकि कुछ पंक्चुएशन कीज़ हैं कुछ स्पेशल पर्पस कीज़ हैं लेटर कीज हैं एट्सट्रा देन वी हैव नुमरिक कीपैड नुमरिक की पैड जो है वो हमारे कीबोर्ड के राइट right साइड पर होता है ठीक है और इसमें जो है हमारे पास कुछ नंबर नंबर कीज़ तो होती हैं उसके अलावा हमारे पास स्क्रीन नेविगेशन कीज़ होती हैं जबकि कुछ स्पेशल कमांड्स परफॉर्म करने के लिए भी कीज़ होती हैं जो कि मैथामेटिकल ऑपरेटर्स के लिए या मैथामेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं दैन वी हैव नाविगेशन कीज़ नेविगेशन कीज़ को यहाँ पर सेपरेटली एक्सप्लेन करने का पर्पज़ ये है कि इन तमाम कीज़ के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे ये हमारे गेम्स को प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती हैं इन्हें एरो कीज़ भी कहा जाता है इन्हें कर्सर कंट्रोल कीज़ भी कहा जाता है और जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते हैं तो हमारे कर्सर को अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करने के लिए भी ये इस्तेमाल होती हैं दैन वी हैव सम स्पेशल पर्पज़ कीज़ वैसे तो स्पेशल पर्पज़ कीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं अल्फा अनुमैरिक पोर्शन में ठीक है इसके अलावा अनुमैरिक कीपैड में भी इनमें से कुछ कीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं अब जैसा कि इनके नाम से जाहिर है ये स्पेशल पर्पस कीज़ जो हैं वो कोई ना कोई स्पेशल पर्पस परफॉर्म करती हैं तो हम इनमें से कुछ कीज़ को डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्केप की स्केप की जो है वो आपके कीबोर्ड की सबसे टॉप लेफ्ट साइड पर पहली की होती है स्केप की को हम तब इस्तेमाल करते हैं वेन वी वॉन्ट टू टर्मिनेट एनी प्रोसेस इन बिटवीन इफ़ यू आर प्लेइंग अ गेम और आप उस गेम को जो है वो फ़ौरन से स्टॉप करना चाहते हैं तो आप स्केप की प्रेस कर सकते हैं जिसके बदले में आपको एक मैसेज डिस्प्ले हुआ दिखाई देगा विच विल आस्क यू आर यू श्योर यू वॉन्ट टू एग्जिट द गेम अगर आपको उसको एग्जिट करना है तो यू विल प्रेस द येस ऑप्शन और अगर आपको कॉन्टिन्यू करना है तो फिर आप नो no प्रेस कर सकते हैं देन वी हैव टैप की टैप की का और स्पेस बार का पर्पज सेम होता है लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है इसका डिफरेंस ये है कि जब आप स्पेस बार को प्रेस करते हैं तो एक सिंगल करेक्टर की स्पेस आती है लेकिन अगर आपको एक सिंगल करेक्टर से ज़्यादा स्पेसेस चाहिए हैं, यानी नीड टू और थ्री कैरेक्टर स्पेस एट अ टाइम देन यू हैव टू प्रेस टैब की देन वी सी कैप्स लॉक की कैप्सोक की का पर्पस बहुत अच्छे से हमें पता है कि जब हमें लेटर्स uh, को जो है वो कैपिटल के तौर पर चाहिए होते हैं हमें या अपर केस में हमें टाइप करना होता है तो फिर हम कैप्सो की को प्रेस करते हैं देन वी हैव कंट्रोल प्लस ऑल्ट कीज़ ये कीज़ जो हैं आपके कीबोर्ड पर पाई जाती हैं और ये कीज़ जो हैं अकेले अपने तौर पर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती ये तभी काम करती हैं जब इनके साथ कॉम्बिनेशन में किसी की को मिलाया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल प्लस एस जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट या जो भी आप सेव करना चाहें तो ये सेव की कमांड होती है तो आप इसे सेव कर सकते हैं जबकि ऑल्ट के साथ अगर आप F4 को कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें तो आपके पास जो भी स्क्रीन अपीयर होगी आप उस स्क्रीन में से एग्जिट हो जाएंगे देन वी हैव एंटर की एंटर की key, आपके कीबोर्ड पर जो है वो दो जगह पर मौजूद होती है अल्फ़ा नुमैरिक पोर्शन में भी होती है जबकि नुमैरिक कीपैड में भी मौजूद होती है इसके दो पर्पजेज़ होते हैं सबसे पहले अगर आपको कोई भी कोई भी आइकन अगर आपने हाईलाइट किया हुआ है और आप उसमें दाखिल होना चाहते हैं तो फिर आप एंटर की प्रेस करेंगे जबकि अगर आप कोई टाइपिंग का काम का परफॉर्म कर रहे हैं और तो जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आप न्यू पैराग्राफ या न्यू लाइन में एंटर हो जाएंगे देन वी हैव डिलीट एंड बैक स्पेस कीज़ डिलीट और बैक स्पेस जो हैं इनका पर्पस भी सेम है लेकिन डिफरेंस के साथ डिलीट की डिलीट करेगी करेक्टर्स को जो कि टाइप हो, हो जाएंगे इनकरेक्टली फ्रॉम द राइट ऑफ द कर्सर पोजिशन अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं और आपकी टाइपिंग के दौरान अगर आपसे कुछ गलत टाइप हो गया है मिस्टेकनली टाइप हो गया है तो आप डिलीट की प्रेस कर सकते हैं और उससे होगा क्या कि आपकी कर्सर के राइट पोजिशन पर जो भी करेक्टर होगा ये उसे इरेज कर देगी जबकि बैक स्पेस की इससे ऑपोजिट काम करती है ये करेक्टर्स को इरेज करेगी बट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द कर्सर दैन वो है होम एंड एंड की होम और एंड की का पर्पज़ एक दूसरे के ऑपोजिट है होम जैसे कि अपने नाम से जाहिर है अगर आप कोई सॉफ्टवेयर ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आप टाइपिंग कर रहे हैं और आपको जो है आप मिडल में या एंड पर मौजूद हैं किसी भी लाइन के सेंटेंस के तो जैसे ही आप होम की प्रेस करेंगे आप बिगनिंग में आ जाएंगे उस लाइन या पैराग्राफ के और बिल्कुल इसी तरह अगर आप एंड की प्रेस करेंगे तो आप उस लाइन या उस पैराग्राफ के एंड पर आ जाएँगे शिफ्ट कीज भी आपके कीबोर्ड पर दो जगह मौजूद होती हैं शिफ्ट की का पर्पस जो है वो दो तरीके से डिफ़ाइन होता है पहले अगर आपको एक सिंगल लेटर को जो है वो अपर uh, केस में टाइप करना है तो आप शिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे और आप उसके कॉम्बिनेशन में साथ उस लेटर को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो लेटर टाइप होगा वो अपर केस में टाइप होगा जबकि अल्फ़ा नुमैरिक पोर्शन में हमारे पास नंबर कीज़ होती हैं और उन नंबर कीज़ पर कुछ स्पेशल सिंबल्स बने होते हैं और अगर आपको वो सिंबल्स चाहिए हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो आप शिफ्ट की के साथ जब वो नंबर प्रेस करेंगे तो उसके ऊपर मौजूद सिंबल जो है वो बन जाएगा सो ये कुछ स्पेशल पर्पज़ कीज़ थी देन वी हैव माउस माउस भी जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस है हैंड हेल्ड मीन्स जिसे आप इजीली अपने हाथों में पकड़ सकते हैं इसके ऊपर दो या तीन बटन्स होते हैं जिसकी मदद से आप क्लिक कर सकते हैं एक माउस का फंक्शन क्या होता है एक माउस को इस्तेमाल किया जाता है क्विकली सिलेक्ट कमांड्स कमांड्स को बहुत जल्दी से सिलेक्ट करने के लिए और उनकी मदद से कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए सो हियर इज अ माउस यू कैन सी हियर ये इसकी बॉडी है ये एक व्हील है और यहाँ पर समटाइम ये अभी एक लेजर माउस देख रहे हैं आप समटाइम यहाँ पर एक केबल भी होती है जो कि जाकर आपके सिस्टम यूनिट से कनेक्ट होती है एक माउस की बटन्स की मदद से आप मुख्तलिफ इवेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं और वो इवेंट्स यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है सबसे पहले क्लिक होता है आ, क्लिक जो है वो लेफ्ट भी हो सकता है और दैट कैन आल्सो बी अ राइट क्लिक इन दोनों का पर्पस जो होता है वो डिफरेंट होता है अगर आप सिंगल टाइम किसी भी आइकन पर आ, माउस को पॉइंट करके लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं तो लेफ़्ट क्लिक करने से वो जो भी आपका आइकन होगा वो हाईलाइट हो जाएगा जबकि उसी आ, उसी आइकन पर आप अपने माउस का जब राइट right बटन प्रेस करेंगे तो राइट क्लिक ऑप्शन जो है वो उस आइकन की प्रॉपर्टीज आपको दिखा देगा राइट right क्लिक का एक बहुत ही कॉमन पर्पज़ हम ये करते हैं कि जब हमने अपने सिस्टम्स को रिफ्रेश करना होता है तो हम अपने डेस्कटॉप के एम्पटी एरिया में माउस के राइट right क्लिक को प्रेस करते हैं और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होती है और वहां से हम अपने सिस्टम को रिफ़्रेश करते हैं देन वी हैव डबल लेफ्ट क्लिक ऑप्शन डबल लेफ्ट क्लिक का मतलब ये है कि आपने माउस के लेफ्ट बटन को जो है वो ट्वाइस दो बार जो है वो जल्दी से क्लिक करना है अब उससे होगा क्या कि अगर आपने कोई भी आइकन सेलेक्ट किया हुआ है तो वो आइकन जो है वो उसकी जो ऑपरेशनल विंडो है वो अपीयर हो जाएगी देन वी हैव drag एंड ड्रॉप Drag एंड ड्रॉप मीन्स कि किसी भी um, माउस की मदद से किसी भी आइकन को एक जगह से बिना छोड़े किसी दूसरी जगह पर प्लेस करना जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है ड्रैगिंग मीन्स खींचना जब आप किसी भी आइकन को उसकी एक प्लेस से माउस के लेफ्ट क्लिक को इस्तेमाल करते हुए ड्रैग करते हुए किसी दूसरी प्लेस पर ले जाकर छोड़ते हैं तो वो ड्रॉप बन जाता है सो दिस इज ड्रैग एंड ड्रॉप देन वी हैव स्कैनर स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है स्कैनर इज़ जस्ट लाइक अ फोटो कॉपियर मशीन अब स्कैनर का फंक्शन क्या होता है एक स्कैनर जो है वो कैप्चर करती है इमेज़स को जो कि आपके फोटोग्राफिक प्रिंट्स के हो सकते हैं पोस्टर्स के हो सकते हैं मैगज़ीन के पेजेस के हो सकते हैं और इसी तरह से मुख्तफ सोर्सेज से लिए गए हो सकते हैं वट यू हैव टू डू इज टू प्लेस योर पेपर हीयर अब वो पेपर भी हो सकता है जिस पर कोई टेक्स्ट मौजूद होगा या वो कोई ऑलरेडी एक इमेज भी हो सकती है अब जैसे ही आप उस पेपर को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे प्लेस करेंगे तो उस पेपर पर मौजूद जो भी डाटा होगा या जो भी इंफॉर्मेशन होगी स्कैनर उसकी एक पिक्चर क्लिक करेगा और वो उसको एक पिक्चर की फॉर्म में आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा अब अगर वो एक टेक्स्ट है तो फिर कंप्यूटर में ऑलरेडी मौजूद एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे ओ कहा जाता है आप उस ओ की मदद से जो है उसमें एडिटिंग कर सकते हैं जबकि अगर वो एक कोई इमेज है तो फिर उस इमेज को ट्रांसफर करने के लिए स्कैनर इस्तेमाल होगा और फिर आप उस इमेज को अपनी स्क्रीन पर कंप्यूटर स्क्रीन पर व्यू कर सकते हैं देन वी हैव डिजिटल कैमरा डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है आपने बहुत कॉमनली जो है वो मोबाइल फ़ोन्स पर डिजिटल कैमरास को देखा होगा इनकी अपनी एक बिल्ट इन मेमोरी होती है जिसकी मदद से ये इमेजेस को स्टोर करते हैं दो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डिजिटल कैमरा ये एक यूज़र को अलाउ करता है कि वो पिक्चर्स दें या वीडियोस बनाए और फिर उन्हें कंप्यूटर में इजीली स्टोर कर दे और सबसे फन फैक्ट ये है कि आप उन पिक्चर्स को लेने के बाद ले, लेते वक्त भी जो है वो स्क्रीन्स पर देख सकते हैं अपने कैमरा की जबकि लेने के बाद आप अपनी मर्जी से उनमें एडिटिंग कर सकते हैं या फिर आप उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं हियर इज़ माइक्रोफोन माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर और जब हम ऑडियो या वीडियो चैटिंग कर रहे होते हैं इंटरनेट पे तब भी हम माइक्रोफोन को इस्तेमाल करते हैं एक बेसिक फंक्शन माइक्रोफोन का ये है कि ये हमारी आवाज को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होती है यू कैन सी माइक्रोफोन हियर लेट्स सी अ शॉर्ट वीडियो प्रेजेंटेशन अबाउट दीज इनपुट डिवाइसेस devices Input devices are devices that provide information and data to the computer For instance in the human body information enters the brain through eyes ears nose Tongue and skin. In a computer, information enters through the input devices. Some common input devices are given below keyboard. A keyboard is one of the most commonly used input devices. It is used for typing letters and numbers along with some special characters. Mouse A mouse is a pointing device that is used for pointing at objects on the monitor. It is also used for drawing images. The mouse can be moved on a smooth surface to control the movement of the pointer on the monitor. Scanner A scanner is used to convert text or an image. To its electronic representation, which can be viewed on the monitor. These scanned images can be used in different documents. A scanner is like a photocopier machine. Joystick A joystick is an input device. Which helps in playing computer and video games. It has one or more buttons on it. Microphone When you speak over a microphone, you can record your voice or other sounds into the computer. pen A light pen is an input device which is similar to a mouse. It is used to draw any figure directly on the computer screen. ये एक छोटी सी वीडियो प्रेजेंटेशन थी जिसमें आपने मुख्तलिफ इनपुट डिवाइसेस को देखा इनमें से कुछ डिवाइसेस ऐसी थीं जिन्हें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे जबकि कुछ ऐसी थी जो न्यू थी आप इसी तरह से न्यू चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर भी कर सकते हैं आपको आपकी स्कूल की वेबसाइट पर जो है वो कुछ होमवर्क असाइन किया गया है उनमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आप उन्हें शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर अटैम्प्ट करेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे आप उन्हें लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर अटैम्प्ट करेंगे और इसके अलावा जो भी आंसर्स हैं वो आपको आपकी स्कूल की जो टेक्स्ट बुक है आ, उस पर मिल जाएंगे तो आप अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में अपना होमवर्क जो है वो उसे कंप्लीट कीजिएगा जबकि आप इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर ही व्यू कर सकते हैं ताकि आप उनसे भी हेल्प ले सकें ये वीडियो जो है वो एक छोटी सी एफर्ट थी ताकि आपको आपके जनरल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया जा सके आपके फर्दर जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें इसी तरह से वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा आई होप यू लाइक एंड अंडरस्टैंड द आइडिया अबाउट इनपुट डिवाइसेस हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस